मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में शुक्रवार को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले बड़ा बवाल हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस समर्थित सदस्यों को खजूरी थाने की पुलिस रिजॉर्ट से उठाकर थाने ले आई। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश सक्सेना भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही रमेश सक्सेना को थाने में बैठा कर रखा। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि किसी सामाजिक व्यक्ति की शिकायत का हवाला देकर जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र उइके का अपहरण का आरोप लगाया गया, जबकि विजेंद्र उइके अपनी मर्जी से रिजॉर्ट में ठहरे थे। सदस्यों का कहना है कि हम पर भाजपा को समर्थन देने के लिए हर प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। वहीं विजेंद्र उइके का कहना है कि मेरे परिवार के सदस्य ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, मैं स्वतंत्र रूप से वोटिंग करूंगा। भाजपा लोकतंत्र की हत्या पे लगी हुई है। हम पांचों जिला पंचायत सदस्य चुने हुए व्यक्ति हैं। हम अपनी मर्जी से, मेरे चारों जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे होटल में रुके हुए थे, पूरी आईडी हमने जमा की थी। उस समय हम पे जाके छापा मारा गया और पुलिस के द्वारा बर्बरता के साथ हमारे को वहाँ से यहाँ थाने लाया गया है, जबकि हम एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुन के पहुँचा है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, खरीद फरोख्त करना चाहती है, पूरे प्रशासन को इस चीज़ में लगा रखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप खरीदो और बीजेपी को सौंप दो। ये बीजेपी के लोग चाहते हैं, ये मेरे सहयोगी साथी हैं जिला पंचायत में, इनके किसी जातिगत व्यक्ति ने ये बोला है कि इनको किडनैप किया गया है, आप इन्हीं से बात कीजिए। प्रतिदिन मेरे घर वालों से मैं मतलब उनके कॉन्टेक्ट में हूँ, उनसे बात भी हो रही है, रात दिन मेरी बात हो रही है परिवार वालों से। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं विजेंद्र उइके हूँ, फाइनल पास हूँ और पूरी जनता के विश्वास से जीत के आया हूँ। जनता ने मुझे मत किया, उसके बावजूद भी मेरे पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, बार बार बीजेपी में जाने का लोग बोल रहे हैं। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र रूप से वोटिंग करूंगा। उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा है, मेरी FIR भी झूठी की गई है, जबकि मेरे परिवार वाले कोई थाने नहीं गए उसके बावजूद भी। और आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का उपयोग किया गया, जैसे कि कोई हम बहुत बड़ा हमने क्राइम किया, उस तरीके से इतना पुलिस फोर्स बल हम पे डराने के उद्देश्य आज हमारे पास भेजा गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए स्वतंत्र वोट करेंगे। तो आपको क्या किडनैप किया गया है? नहीं, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं और दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से आया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सीहोर।